वो स्टॉक, दोनों में ही इनका लॉन्ग टर्म व्यू है। तो आरवीएनएल पर क्वेश्चन इनका काफी इंटरेस्टिंग है रवि, 77 रुपए की खरीदारी 172 की हो चुकी है, तो दुगने से ज्यादा स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन ये 500 रुपए के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कब तक आ सकते हैं 500 रुपए के टारगेट, ये इनका एग्जैक्ट क्वेश्चन है। दूसरा आईआरसीटीसी, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, यहाँ पर 745 की बाइंग है, पिक पे खरीदा इसीलिए लॉसेस में है थोड़े से, क्या सजेशंस? देखिए इस समय आरवीएनएल फ्रेश ब्रेकआउट पे है, लेकिन ये जरूर है कि 77 रुपए की रैली ही 172 रुपए तक पहुंच चुकी है, 100% से ज्यादा की यहाँ पर हमने रैली देख चुके हैं, और इस समय चार्ट पैटर्न पे जो रैली दिखा रहा है वो भी अभी एक बार 220 तक के लिए मैक्सिमम दिखा रहा है। तो फिलहाल इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से निवेश करें और धीरे धीरे आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाते जाएं। इस समय स्टॉप लॉस आप रखिए 150 रुपए का, फिर अगर ये 200 का ट्रेड क्रॉस करता है तो फिर 180, और 200 के ऊपर निकलने के बाद 190, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। 220 के आसपास आता है तो वापस से सीएनबीसी पे एक बार कॉन्टेक्ट करिए। हाँ, अगर 5 साल का व्यू है तो शायद 500 के बराबर की वैल्यू देखी जा सकती है, लेकिन अभी के मोमेंटम में 240-250 रुपए के पास स्टॉक थकता हुआ नजर आएगा, तो उस लेवल तक अभी आप होल्ड करके रख सकते हैं। आईआरसीटीसी आपकी उतनी ही यहां पर जो अगर देखा जाए तो थोड़ी हायर खरीद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इस समय रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम लेगा, यानी 760 और 780 के आसपास तक ये लेवल्स आ सकते हैं, तो आप अपनी पोजीशन को अभी यहाँ पर होल्ड करके रखें, लेकिन एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिए 700 रुपए का क्लोजिंग, अगर 700 के नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट, नहीं तो वापस 760 और 780 के बीच में आता है, तो एक बार मुनाफा लेकर आपके निकल जाइएगा, लंबा मत रखिए, ये स्टॉक लंबा रखने के लिए नहीं है।